अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आ जाते हैं। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि आप दो ऑपरेटर्स को आपस में कंपेयर करते हैं और ऑपरेंट को कंपेयर करते हैं और ऑपरेंट की वैल्यूज़ को कंपेयर करके उसका रिज़ल्ट देते हैं। जो इसका रिज़ल्ट आता है वो एक एक्चुअली रिटर्न करता है आपकी वैल्यू को, और जो रिटर्न करता है वैल्यू को उस वैल्यू को हम कहते हैं बूलियन टाइप। जो भी टाइप में वो रिटर्न करेगा उसको बूलियन करते हैं। आइदर वो वैल्यू चेक करता है ट्रू हो या फॉल्स। अच्छा, बूलियन टाइप क्या होती है? बूलियन टाइप वो होती है जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि आइदर आपकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, जिसको हम बूलियन टाइप कहते हैं। अब हम सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर का आपको एक चीज़ बताते चलें। कंपैरिजन ऑपरेटर में आप क्या करते हैं, जैसे हमारे पास वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू हमने दी है 2। इसी तरह से हमारे पास वेरिएबल है बी, उसकी वैल्यू दी हमने 2। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स का आप कंपैरिजन करवाने वाले हैं। अब आप कंपैरिजन कैसे करवाएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर आपने लिखना है, और यहाँ पर आप कंपेयर करवाते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। अब वो क्या करेगा, आपकी वैल्यूज़ को रिटर्न करके आपको रिजल्ट देगा। तो ये कहलाता है आपके पास असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर। इसको कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ये एक्चुअली यूज़ क्यों होता है? सबसे पहला ऑपरेटर का मतलब ये होता है, अगर आप सिंगल लिख लें इसका मतलब ये है कि आप ए के अंदर वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं। मतलब इसका मैं एक हटा दूं तो इसका मतलब ये होगा ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन हो गई। दूसरा ऑपरेटर होता है यूज़, वो कंडीशन चेक करता है कि क्या आइदर टू जो है जिसकी वैल्यू है वो दूसरे वैल्यू के साथ इक्वलेंट है। इसी तरह एक होता है स्ट्रिक्ट ऑपरेटर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, वो क्या होता है ज़रा वो भी देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, ट्रू आ रहा है। अब अगर लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ सर्ट ट्रिप ऑपरेटर, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर मैंने दे दिया 2, तो वो चेक करके बता देगा कि आइदर दोनों की वैल्यू स्ट्रिक्ट इक्वल है या नहीं है, तो ये फॉल्स कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर है, दूसरी वैल्यू किस में है, इंटीजर में है, तो वो फॉल्स देगा, वो स्ट्रिक्ट को चेक करेगा। थर्ड वन यूज़ फॉर चेकिंग द टाइप ऑफ द वैल्यू, वैल्यू की टाइप को चेक करेगा और फिर वो आपको रिजल्ट देगा। इसी तरह से हमारे पास एक होता है ग्रेटर देन। अब जैसे लेट सपोज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ और टू अगेन टू कर देता हूँ, तो यहाँ पर होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि आइदर वो वैल्यू चेक करेगा कि ग्रेटर है या कम है, तो फॉल्स, क्योंकि वो ग्रेटर नहीं है। लेस देन, लेस देन में वो चेक करेगा कि आइदर वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, वो भी फॉल्स है। इसी तरह से लेस, ग्रेटर देन इक्वल, क्या ग्रेटर है, ग्रेटर भी चेक करेगा और इक्वल भी चेक करेगा, तो ये आंसर क्या रिटर्न करेगा आपको, ट्रू। इसका मतलब ये है कि टू जो है वो ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वलेंट हैं दोनों के। अब जैसे लेट सपोज कि मैं ये कर दूं ए इज़ ग्रेटर देन 3, इक्वलेंट नहीं है ग्रेटर हैं, तो ये ट्रू करेगा रिटर्न ऑब्वियसली। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं कर दूं 2 और यहाँ पर मैं कर दूं लेस देन इक्वल टू, तो वो इक्वल तो हैं बट लेस देन नहीं है। लेस देन का मतलब ए अगर मैं कर दूं यहाँ पर 4, 1 कर दूं, तो अब ये दोनों बातें सच हो गई और वो वहाँ पर चेक कर लेगा कि आइदर वैल्यू इज़ ट्रू, ट्रू हो गई वैल्यू। तो इसी तरह से यहाँ पर ये होती है आपके पास लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर। एक होता है नॉट इक्वल टू, मतलब क्या है, ये वैल्यू इक्वल नहीं है, आप कहते हैं ऑब्वियसली इक्वल है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। इसका मतलब कि ये बात गलत है कि इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली दोनों इक्वल हैं। नॉट इक्वल के बाद स्ट्रिक्ट इक्वल भी चेक होता है कि क्या है दोनों स्ट्रिक्ट इक्वल के हवाले से हैं या नहीं है, तो ये भी आपका चेक हो सकता है। तो ये होते हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्ट्रिक्ट इक्वल टू सारे ऑपरेटर्स, और इन ऑपरेटर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर ऑब्वियसली आपके तभी यूज़ होते हैं जब आपको कोई ना कोई वर्कआउट करना होता है इसके ऊपर, अगर आप इक्वलेंट की कंडीशन को देखना चाहते हैं। बहुत सारे इसके अंदर ऑपरेटर्स हैं, नॉट इक्वल, इक्वल टू, और मैंने आपको सारे ही बता दिया, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है, इसको कंपैरिजन कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सब्सक्राइब चैनल करें और लोगों से शेयर करें।